आरजे पल्लवी पॉडकास्ट के सारे कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और सुनते रहिए हमारे साथ आज कासिम अंसारी जी की लिखी हुई कहानी वीराना सीजन 2 का सेकेंड पार्ट। दोस्तों, अगर वीराना सीजन 2 का फर्स्ट पार्ट आप लोग नहीं सुने हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई बटन और एंड स्क्रीन में दे दी हूँ, आप लोग जाके उन्हें सुन सकते हैं। और अगर वीराना सीजन 1 भी नहीं सुने हैं तो प्लीज़ जाके वो भी पहले सुनिए, क्योंकि उसके सुनने के बाद ही आप लोगों को सीजन 2 समझ में आएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे रखी हूँ। और दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए दोस्तों। बस थोड़ी सी ही मंजिल बाकी है हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने के लिए, तो प्लीज़ देरी नहीं करके आप लोग प्लीज़, इतना कहानी पसंद कर रहे हैं मेरा, मुझे सुन रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब करने में क्या कंजूसी हो रहा है हमको नहीं पता, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, देरी नहीं करके शुरू करते हैं आज की कासिम अंसारी जी की वीराना सीजन 2 का पार्ट 2। 4 दिसंबर 1990 दिल्ली। अक्सर ये माना जाता है कि वक्त की धारा एक समान गति से आगे की ओर चलती रहती है, उसे मोड़ा नहीं जा सकता, उसे पकड़ा नहीं जा सकता, मगर ये भी हकीकत है कि वक्त हर इंसान के लिए अलग अलग होता है, हर इंसान का वक्त उसके हिसाब का होता है। प्रोफेसर बख्शी, क्या ये बात सही है? प्रोफेसर बख्शी के एक स्टूडेंट ने पूछा। हाँ, ये बात सही है, हर इंसान का वक्त उसके हिसाब से होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी का वक्त बहुत मुश्किल से कटता है और किसी का वक्त बहुत जल्दी कट जाता है। हम इसे समझ नहीं सकते, इसे समझा नहीं जा सकता। शायद विज्ञान को वक्त को समझने के लिए अभी बहुत लंबा सफ़र करना है। प्रोफेसर बख्शी का एक होनहार स्टूडेंट प्रोफेसर बख्शी से पूछने लगा। प्रोफेसर बख्शी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। पूछो भाई, मैं यहाँ तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए ही यहाँ पर खड़ा हूँ। प्रोफेसर बख्शी, क्या ये बात सही है, इस दुनिया में इंसानों के अलावा भी और भी बहुत सारी मखलूक है, जैसे कि आत्माएं, भूत, प्रेत, चुड़ैल, जिन, इन्हीं जैसा कुछ? मैंने सुना है कि आपने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च भी की है। प्रोफेसर बख्शी अपने स्टूडेंट की तरफ देखने लगे और मुस्कुराने लगे। सिर्फ मैं ही नहीं, अब तो वाकायदा इस चीज़ पर रिसर्च होने लगी है, अब तो कुछ वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं हम इस दुनिया में इंसानों के अलावा और भी वजूद मिल जाएंगे। अब तो कुछ बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी इस बात के लिए सहमति दे दी है। तो क्या प्रोफेसर बख्शी, आपने किसी भूत, प्रेत या जिन को देखा है? प्रोफेसर बख्शी उसकी बात सुनकर हंसने लगे। अभी तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब जानने की, तुम अपनी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दोगे तो जल्दी पास हो जाओगे। प्रोफेसर बख्शी की ये बात सुनकर सारी क्लास के लड़के हंसने लगे और वो स्टूडेंट जिसने प्रोफेसर बख्शी से सवाल पूछा था वो शर्मिंदा होकर बैठ गया। फिर प्रोफेसर बख्शी का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया और बोले, ये बात सही है कि पूरी पृथ्वी पर हम सिर्फ इंसान ही नहीं रहते, हमारे अलावा भी बहुत सी मखलूकें भी रहती है, हम उन सब का वजूद नकार नहीं सकते। और चूँकि आज का ये टॉपिक नहीं था तो इस बारे में अब इससे ज़्यादा कोई बात नहीं होगी, क्लास का टाइम ख़त्म होने वाला है और अब मैं तुम लोगों को इस टॉपिक पर ज़्यादा बात करके डराना नहीं चाहता। ये कहकर प्रोफेसर बख्शी मुस्कुराने लगे। इतने में घंटी बज गई और क्लास का वक्त ख़त्म हो गया। सारे स्टूडेंट क्लास छोड़कर चले गए, मगर वो स्टूडेंट जिसने प्रोफेसर बख्शी से सवाल पूछा था वो शर्मिंदा होकर प्रोफेसर बख्शी के पास आया। सर, आई एम सॉरी, मुझे क्लास में इस तरह से आपसे सवाल नहीं पूछना चाहिए था। अरे नहीं नहीं इकबाल,
तुम्हारा सवाल अपनी जगह बिल्कुल सही था, तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आज के इस वक्त में हम इस टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाहते। अब देखो ना, मैं तुम्हें इस टॉपिक के बारे में कुछ बताता तो सारी क्लास तुम पर हंसती, इसीलिए मैंने इस बारे में ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं समझा। और वैसे भी तुम्हारे पेपर नज़दीक हैं तो तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ये कहकर प्रोफेसर बख्शी ने उसके सर पर हाथ फेरा और चले जाने का इशारा किया। स्टूडेंट थैंक यू सर कहकर चला गया। तभी प्रोफेसर के पास कॉलेज का चपरासी आया। सर, कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। कौन? तुमने बताया नहीं कि मैं कॉलेज में किसी से नहीं मिलता, और वैसे भी मेरी दूसरी क्लास है। उनसे कह दो कि मैं उनसे कल मिलूँगा। मैंने उनसे कहा था प्रोफेसर किसी से नहीं मिलते, ख़ास तौर से कॉलेज ख़त्म होने से पहले तो बिल्कुल भी नहीं। मगर मैं आपको बताना भूल गया, वो सब वर्दी में हैं, वो सब पुलिस वाले हैं। ये सुनकर प्रोफेसर बख्शी का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। ठीक है, उनसे कहो मैं आता हूँ थोड़ी ही देर बाद। प्रोफेसर एक पुलिस वाले के सामने बैठे थे। प्रोफेसर बख्शी दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे और कुछ रिसर्च वगैरह भी किया करते थे। उनकी उम्र 40 या 42 के करीब होगी। उन्होंने अपनी उम्र दूसरे देशों में रहकर बिताई थी। वो मिस्र, साउथ अफ्रीका के जंगल, लगभग दुनिया के हर उस हिस्से की सैर कर चुके थे जो खोज का विषय थे। ज़रूरत पड़ने पर सरकार और पुलिस वाले उनसे मदद लेते रहते थे। वो बहुत ही काबिल और सम्मानित व्यक्ति थे। उनके चेहरे पर उनकी काबिलियत और उनका तजुर्बा साफ झलकता था। प्रोफेसर बख्शी ने अभी तक शादी नहीं की थी, वक्त ही नहीं मिला। वो अपनी खोज में, रिसर्च में और अपने लेक्चरर में इतने बिजी रहते थे कि उन्हें बहुत मुश्किल से वक्त मिला करता था। वो हमेशा नई नई चीज़ें खोजने में लगे रहते हैं। उन्हें एक जुनून सवार था कुछ नया करने का, कुछ ऐसा जो दुनिया को हिला कर रख दे। और अपने इस जुनून में वो दुनिया घूमते रहते थे। जिस पुलिस वाले के सामने प्रोफेसर बख्शी बैठे थे, उस पुलिस वाले को प्रोफेसर अच्छी तरह से पहचानते थे। बोलिए शर्मा जी, आज आपको प्रोफेसर की याद कैसे आ गई? शर्मा जी प्रोफेसर बख्शी की बात सुनकर मुस्कुराने लगे। शर्मा जी आगरा जिले के एसपी के पद पर तैनात थे। प्रोफेसर उन्हें पहले से जानते थे। आज आपने मुझे कैसे याद किया? प्रोफेसर बख्शी, बात असल में ये है कि हमारा एक पुलिस वाला इंस्पेक्टर खान तफ्तीश के सिलसिले में शिमला गया था, मगर वो जिंदा वापस नहीं आया। उसकी लाश देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे किसी जानवर ने मारा है, और यही बात हमारे हलक से नीचे नहीं उतर रही। हमने इंस्पेक्टर खान की लाश देखी है, हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। और जब इस तरह के केस आते हैं तो सबसे पहले हमें आपकी ही याद आती है, क्योंकि यह पुलिस वाले के मर्डर का मामला है, और एक मर्डर इससे पहले भी हो चुका है, शमशाद नाम के व्यक्ति का, और फिर उसके बाद इंस्पेक्टर खान का। इंस्पेक्टर खान शमशाद के कत्ल का आरोपी अमान, जिस पर हमें शक था, उसको गिरफ्तार करने के लिए ही शिमला गए थे, मगर उनकी लाश हमें घने जंगल में मिली। यही जांच का विषय है कि इंस्पेक्टर खान जंगलों में कैसे पहुंचे। मैं चाहता हूं कि आप इंस्पेक्टर खान की लाश को एक बार देखें और इस केस में हमारी आप मदद करें। शर्मा जी की बात सुनकर प्रोफेसर बख्शी मुस्कुराने लगे। जहां तक लाश देखने की बात है तो मेरी समझ में आता है, लेकिन इस केस में मदद करने की बात मेरी समझ में नहीं आती। आप कहना क्या चाहते हैं? प्रोफेसर बख्शी, मैं पुलिस में ज़रूर हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं दूसरी बातों पर भी यकीन करता हूँ। इंस्पेक्टर खान की लाश ने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। तो शर्मा की बात सुनकर प्रोफेसर बख्शी बहुत तेज तेज आवाज़ में हंसने लगे। प्रोफेसर बख्शी का मिजाज कुछ ऐसा ही था।
वो कब सीरियस हो जाते थे और कब मजाक के मूड में आ जाते, उसका कुछ पता नहीं होता था। यदि आप कहना चाहते हैं कि मैं आपकी इस केस में हेल्प करूं, जी आपने बिल्कुल सही समझा। सोच लीजिए शर्मा जी, सोच समझ कर ही आया हूँ। मेरे काम करने का तरीका आप जानते हैं जी प्रोफेसर, अच्छी तरह से। आप भी कमाल करते हैं शर्मा जी। ठीक है, मैं पहले इंस्पेक्टर खान की लाश देखना चाहता हूँ। उसकी लाश देखने के बाद ही मैं फैसला करूँगा कि आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है भी या नहीं। क्यों नहीं प्रोफेसर, मुझे यकीन है आप इंस्पेक्टर खान की लाश देखकर हमारी मदद ज़रूर करेंगे। शर्मा जी बहुत यकीन के साथ बोले। ओके ओके, रिलैक्स शर्मा जी, मैं कल दोपहर को आगरा आ जाऊंगा। फिर शर्मा वहां से चले गए और प्रोफेसर बख्शी फिर कुछ सोचने लगे। अगले दिन प्रोफेसर बख्शी आगरा के थाने में एसपी शर्मा जी के पास बैठे हुए थे। थोड़ी सी बातचीत के बाद शर्मा जी प्रोफेसर बख्शी को इंस्पेक्टर खान की लाश दिखाने ले गए। देखिए प्रोफेसर, अब खुद देखिए। प्रोफेसर इंस्पेक्टर खान की लाश को बार बार ध्यान से मुआयना करने लगे। अचानक प्रोफेसर का ध्यान इंस्पेक्टर खान के जख्मों पर पड़ा और शर्मा जी से बोल पड़े, माय गॉड शर्मा जी, डॉक्टर्स क्या कहते हैं इनके जख्मों के बारे में? डॉक्टर्स का कहना है इन्हें किसी जानवर ने मारा है। किस जानवर का काम हो सकता है आपके मुताबिक शर्मा जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है प्रोफेसर। डॉक्टर्स के मुताबिक खान को जानवर ने मारा है, लेकिन खान वहाँ जंगल में करने क्या गया था और जंगल में कैसे पहुँचा, तमाम बातें हैं और भी बहुत सी बातें हैं जो ये इशारा करती है कि खान को मारा गया है। शर्मा जी और कुछ कहते पर प्रोफेसर ने उन्हें रोक दिया। आपको जानकर खुशी होगी शर्मा जी, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। शर्मा जी प्रोफेसर का मुंह देखने लगे। एक बात पूछूं प्रोफेसर? पूछिए। आपने खान के लाश में ऐसा क्या देखा कि आप मेरी मदद को तैयार हो गए? प्रोफेसर बख्शी अब थोड़ा गंभीर हो गए थे। शर्मा जी, ये जख्म और निशान देख रहे हो, साफ साफ पता लगता है ये भेड़िए के पंजों के हैं। लेकिन गौर करने वाली बात ये है, ये निशान आम भेड़ियों या जंगली भेड़ियों के नहीं हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये भेड़िया आम भेड़िए से करीब 3 या 4 फीट लंबा और चौड़ा है। मैं दुनिया का लगभग हर हिस्सा घूम चुका हूँ, लेकिन ऐसे निशान नहीं देखे। प्रोफेसर की बात सुनकर शर्मा जी के चेहरे पर खौफ झलकने लगा। और दूसरी बात यह है, मैं नहीं चाहता कि आप दूसरों लोगों की जान को भी खतरा हो। मैं आपकी बात समझा नहीं प्रोफेसर। समझ जाओगे, ये मामला बहुत ही पेचीदा है शर्मा जी। आपने कहा था खान किसी मर्डर के जांच कर रहा था? हाँ प्रोफेसर, आगरा कॉलेज के एक स्टूडेंट का शमशाद नाम था उसका। उसका कत्ल कैसे हुआ था? उसे भी किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा था। ओके, मैं उसकी पोस्टमार्टम फाइल देखना चाहता हूँ। ओके, आप थाने चलिए, आपको वो फाइल वहीं मिल जाएगी। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर बड़े गौर से शमशाद के पोस्टमार्टम की फाइल को बड़े गौर से देख रहे थे और शर्मा जी प्रोफेसर को देख रहे थे। मेरा शक सही निकला शर्मा जी, शमशाद की पोस्टमार्टम फाइल में भी इन्हीं निशानों का जिक्र है। मतलब उसे भी किसी जानवर ने ही मारा था इस फाइल के मुताबिक। आप सही कह रहे हैं प्रोफेसर, ये मामला हमारी समझ से बाहर था। मुझे एक बात बताओ शर्मा जी, बिल्कुल इसी तारीख में खान साहब को भी मारा गया है। अब जाहिर सी बात है, जिस जानवर ने इंस्पेक्टर खान को मारा है उसी जानवर ने शमशाद को भी मारा है। जिस तरह से ये हालत कह रहे हैं, मगर ये मुमकिन नहीं। जानवर जंगलों में शिकार करते हैं,
मगर वो इतनी अकल नहीं रखते हैं कि वो शहर में आकर किसी के घर में घुसकर मार कर चले जाएं। तो फिर इसका क्या मतलब है प्रोफेसर? इसका मतलब यही है शर्मा जी कि ये बात कुछ और ही है। आपके मुताबिक क्या बात हो सकती है प्रोफेसर? शर्मा जी, दिल्ली में आपने मुझसे कहा था कि आप कहीं ना कहीं दूसरी बातों पर भी यकीन करते हैं। जी प्रोफेसर, आपने बिल्कुल सही कहा। तो समझ लीजिए कि ये दूसरी बात ही है। लगता है जिनकी तलाश में मैंने पूरी दुनिया घूमी, वो मुझे मेरे देश में ही मिलेगी। किसकी तलाश में प्रोफेसर? मैं कुछ समझा नहीं। आप कुछ समझ में नहीं पाएंगे शर्मा जी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वक्त आने पर मैं आपको एक एक चीज़ समझा दूंगा। इन सारे सवालों के जवाब शर्मा जी हमें अमान के गांव में ही जाकर मिलेंगे। अब आप फैसला कीजिए कि आप मेरे साथ चलेंगे या फिर मुझे ये काम अकेले ही करना पड़ेगा। शर्मा जी थोड़ी देर खामोश रहने के बाद बोल पड़े, मुझे लगता है प्रोफेसर ये काम आप अकेले ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है शर्मा जी, मेरी एक शर्त है, ये कि आप मेरे काम में दखल नहीं देंगे और हमेशा की तरह मुझे पुलिस का सहयोग मिलता रहना चाहिए। आप चिंता न करें, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। शिमला पुलगा गांव, अमान का घर। अमान नीचे आ जाओ। अमान जो कि अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, अमी की आवाज़ सुनकर उठ गया और नीचे चला गया। नीचे जाकर उसने देखा उसकी अम्मी एक कमरे में बैठी हुई थी और कमरे के बीच में पर्दा डला हुआ था। अम्मी ने उसकी तरफ देखा। अचानक अमान के कानों में पीर बाबा की आवाज़ सुनाई दी, बैठ जाओ अमान। आप कब आए पीर बाबा? मैं कुछ देर पहले ही आया हूँ अमान, पीर बाबा ने अमान को देखते हुए कहा। अमान से रहा नहीं गया, अमान पूछ बैठा, पीर बाबा आपने मुझसे कहा था कि आप मेरे सारे सवालों का जवाब देंगे, अब वक्त आ गया है कि आप मेरे सारे सवालों के जवाब दें, अभी इसी वक्त। अमान ये सारी बातें पीर बाबा से पूछ बैठा। पीर बाबा ने अमान को बहुत गौर से देखा और मुस्कुराने लगे। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएंगे अमान। बस बहुत हो गया पीर बाबा, अब इससे ज़्यादा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मेरा दिमाग फटा जाता है सोचते सोचते। सच तो ये है कि अब यकीन करना मेरे लिए मुश्किल हो गया है कि आप सही है या फिर ओवेश। कभी कभी तो मुझे उसकी बातें सही लगती है। पीर बाबा अमान की बातों को बहुत गौर से सुन रहे थे। फिर पीर बाबा अमान से कहने लगे, तुम जरूरत से ज़्यादा सोच रहे हो अमान, मगर ये वक्त सोचने का नहीं है। तुम्हारे आने से पहले हम तुम्हारी माँ को तुम्हारे बारे में ही बता रहे थे। तुम अभी खतरे में हो अमान। कैसा खतरा पीर बाबा? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आता, आप मुझे कुछ बताते भी तो नहीं हैं। आपने मुझे उस वीराने में भी कुछ नहीं बताया था। आपने उस वक्त भी मुझसे कहा था कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन मेरे कई सवालों का जवाब नहीं मिला। सच तो ये है बाबा, अब इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पीर बाबा बहुत ही ध्यान से अमान की तरफ देख रहे थे। फिर उन्होंने अमान से बहुत धीमे और पुख्ता लहजे में कहा, अमान मेरी आंखों में देखो। अमान अपनी अम्मी की तरफ देखने लगा, जो कि पर्दे के उस पार बैठी हुई थी। अम्मी ने अमान की तरफ इशारा किया, अमान पीर बाबा की आंखों में देखने लगा। फिर पीर बाबा ने बहुत आहिस्ता से कहा, अमान मेरी बात बहुत गौर से सुनो, खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसीलिए मैं कल की बजाय आज ही रुकिया बेगम के घर पर आ गया, ताकि मैं तुम्हें खतरे से बचा सकूं। तुम सो रहे थे, मैंने तुम्हें उठाना अच्छा नहीं समझा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उस बात को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। अमान पीर बाबा की आंखों में देखकर उनकी बात को सुन रहा था, और पता नहीं इस वक्त उसकी क्या कैफियत हो गई थी। उसे लग रहा था पीर बाबा
उस वक्त उससे जो कह रहे हैं उसे पीर बाबा की बात माननी चाहिए। फिर पीर बाबा अमान से कहने लगे, मैंने तुम्हारे घर पर जितने भी ताबीज़ दिए थे वो सब मैंने अभी निकलवा दिए हैं। जब तुम सो रहे थे क्योंकि उन ताबीज़ों का असर ख़त्म हो गया है, मैं उन्हें कुछ नए ताबीज़ दे रहा हूँ। ये ताबीज़ आज रात में तुम्हारे घर के चारों तरफ गाड़ दिए जाएंगे। तुम्हारी जान को खतरा है और तुम्हें मुझसे इस वक्त कोई सवाल नहीं करना है, सिर्फ एक बात को मानना है और हर हाल में मानना है। कौन सी बात पीर बाबा? पीर बाबा अमान की तरफ गौर से देखते हुए बोले, तुम्हें निकाह करना होगा, यानी कि शादी, और वो भी अभी इसी वक्त। अमान पीर बाबा की बात सुनकर उछल गया। कह रहे हो पीर बाबा, आप जानते हो आप क्या कह रहे हो? शादी, वो भी इतनी जल्दी? मैं वैसे भी इस वक्त मुसीबत में हूँ, और किसी और को मुसीबत में और डाल दो। नहीं पीर बाबा, ये नहीं हो सकता। नहीं अमान, तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हारे इस कदम से मुसीबत तुम्हारे लिए ख़त्म हो जाएगी, ना कि मुसीबत बढ़ जाएगी। पीर बाबा, अगर मैं एक बार को आपकी बात मान भी लूँ, तब भी शादी के लिए एक लड़की चाहिए होती है। पीर बाबा ने अमान की तरफ मुस्कुरा कर देखा। लड़की मैंने देख रखी है, उसका नाम आलिया है, और आलिया को मैं अपने साथ ही लाया हूँ। वो भी तुम्हारी तरह खानदानी है। तुम्हारे आने से पहले मैंने तुम्हारी माँ से भी इस बारे में बातचीत कर ली है। तुम्हारी माँ राजी है, आलिया दूसरे कमरे में बैठी हुई है। मुझे इसी वक्त तुम्हारा निकाह पढ़ना होगा। अमान से रहा नहीं गया, अमान बोल पड़ा, पीर बाबा कैसी बातें कर रहे हैं आप? 2 दिन पहले ही मेरे दोस्त का कत्ल हुआ है, मेरी आंखों के सामने, और मेरे साथ इतना कुछ हुआ है कि मैं इस वक्त खुद को ही नहीं संभाल पा रहा हूँ। इस वक्त शादी करने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। मैं जानता हूँ अमान, मैं तुम्हारे अंदर की एक एक कैफियत को पहचानता हूँ, लेकिन इस वक्त तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। निकाह ही तुम्हारे मसले का हल है। आपने इससे पहले भी मुझसे कई वादे किए थे पीर बाबा, सच बताने के, लेकिन फिर भी आपने कभी मुझे सच नहीं बताया। अभी भी मेरे सवालों के जवाब मुझे नहीं मिले। अमान तुम फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तुम बस निकाह के लिए हाँ कर दो। अमान बड़ी मायूसी से बोला, जब आपने सब फैसले खुद ही कर दिए हैं पीर बाबा, और इसमें मेरी माँ भी राजी है, तो फिर मेरी हाँ की फिर क्या ज़रूरत है? तुम्हारी रजामंदी बहुत ज़रूरी है अमान। जब तक तुम रजामंदी नहीं दोगे, तब तक निकाह नहीं हो सकता। अमान अपनी अम्मी की तरफ देखने लगा। रुकिया बेगम अमान की तरफ ही देख रही थी, जो खामोश बैठी हुई थी। मगर इस वक्त अमान बड़ा भाई सहबाज मौजूद नहीं था। फिर अमान ने अपनी अम्मी से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए अम्मी जान? अम्मी जान ने जवाब दिया कि हाँ, पीर बाबा जो कह रहे हैं उसको कर लेना चाहिए। पीर बाबा जो करते हैं हम सब की भलाई के लिए ही करते हैं। मगर अम्मी जान, लड़की कौन है, किस खानदान की है, मैंने उसे देखा तक नहीं। रुकिया बेगम अमान से बोली, लड़की मैंने देखी है बेटा, हम तेरे लिए गलत लड़की नहीं चुनेंगे बेटा। मगर अम्मी जान, क्या लड़की की मर्जी है या नहीं, क्या लड़की ने मुझे देखा है, क्या उसे मेरे साथ जो हादसा हुआ है उसे पता है? मैंने उस लड़की से बात की है बेटा, उसे हमारे बारे में सब पता है। ये कम है क्या कि वो सब कुछ जानते हुए भी हमारी मदद के लिए तैयार हो गई है? वो कहाँ की है अम्मी जान? आलिया ने हमें बताया वो हमारे गांव की ही करीब एक गांव है, वहाँ की है। उसके माँ बाप नहीं है बेटा, कुछ सालों पहले ही गुजर गए हैं, जब से उसका ख्याल पीर बाबा ही रख रहे हैं। बेटा मान जा, हाँ कर दे, मेरे लिए तेरी ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ नहीं है। रुकिया बेगम रुहासू होकर बोली। अमान थके हुए लहजे में बोला,
तो फिर ठीक है अम्मी जान, अगर आप राजी हैं तो मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ। अमान ये बोल ही रहा था कि इतने में उसका बड़ा भाई शहबाज भी आ गया। फिर अमान ने शहबाज से पूछा, अम्मी मेरी शादी करना चाहती है भाई जान, वो भी अभी। शहबाज चौंकते हुए अपनी अम्मी की तरफ देखने लगा। अम्मी जान ने शहबाज को देखा और शहबाज से कहा, हाँ पीर बाबा का यही हुक्म है और आज तक पीर बाबा ने जो कुछ भी कहा है हमने उनकी बात को कभी टाला नहीं है, वही होगा जो पीर बाबा कहते हैं। अगर पीर बाबा का हुक्म है अभी तो फिर अभी। शहबाज अम्मी जान को बहुत गौर से देख रहा था। फिर वो कहने लगा, अम्मी जान शादी के लिए लड़की की ज़रूरत होती है, इतनी जल्दी हम लड़की कहाँ से लेकर आएंगे, उसका खानदान वगैरह वगैरह। अम्मी जान ने कहा, पीर बाबा लड़की अपने साथ लेकर आए हैं, लड़की मैंने देखी है, बेइंतहा खूबसूरत है, खानदानी है, ये क्या कम है कि इस मुसीबत में वो हमारा साथ देने को तैयार है, और इस वक्त हमें अमान की ज़िंदगी ज़्यादा प्यारी है। पीर बाबा ने कहा है कि अगर आज की शादी नहीं हुई तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। क्या? शहबाज अम्मी की बात सुनकर चुप हो गया। ठीक है, जैसा आपका हुक्म हो अम्मी जान, शहबाज बोला। फिर पीर बाबा ने कहा, कहा मैं खुद पढ़ाऊँगा और तुम्हारी शादी अभी इसी वक्त होगी। थोड़ी ही देर के बाद दूसरे कमरे में अमान का निकाह आलिया से करा दिया गया और पीर बाबा के हुक्म के मुताबिक अमान के घर में जितने भी ताबीज खड़े हुए थे वो सब ताबीज निकाल दिए गए और दूसरे ताबीजों को वहाँ गाड़ दिया गया था। पीर बाबा ने ही निकाह पढ़ाया था और उसके बाद पीर बाबा 2 दिन के बाद आने की कहकर वहाँ से चले गए और जाने से पहले पीर बाबा ने रुकिया बेगम को बुलाया और कहा कि आज रात अमान को बाहर मत निकलने देना, उसके बाद वो कहीं भी जा सकता है, फिर उसके ऊपर कोई खतरा नहीं है। ये कहकर पीर बाबा वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद अमान अपनी बीवी के कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। आलिया उसके ही बिस्तर पर बैठी हुई थी नज़रें झुकाए। अमान का कमरा सजा दिया गया था। अमान ने पीर बाबा से ये भी कहा था कि मैं एक बार लड़की को देखना चाहता हूँ, लेकिन पीर बाबा ने उसे मना कर दिया था और कहा था निकाह के बाद ही देख सकते हो, तुम्हारी माँ ने लड़की को देख लिया है, ये काफ़ी है। अमान को टहलते हुए आधी रात हो गई थी, वो फैसला नहीं कर पा रहा था। फिर उसने आलिया से पूछा, जो कि उसकी बीवी बन चुकी थी, क्या तुम्हारी शादी रजामंदी से कराई गई है? आलिया ने हाँ में सर हिलाया लेकिन वो कुछ बोली नहीं। फिर अमान ने कहा कि तुमने मुझे इससे पहले कभी देखा था? फिर आलिया ने बहुत सुरीली आवाज़ में कहा, हाँ देखा था। जैसे ही उस लड़की की आवाज़ अमान के कानों में गूंजी, अमान के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यह आवाज़ वो कैसे भूल सकता था। फिर अमान से रहा नहीं गया, अमान जल्दी से आलिया के पास चला गया और उसके पास जाकर बैठ गया। अमान ने कांपते हुए हाथों से जैसे ही आलिया का घूंघट उठाया, अमान के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो कोई और नहीं, रुबीना थी। हाँ वो रुबीना ही थी। अमान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और वो लड़की अमान को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट बहुत रहस्यमय थी। रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। ठंड अपने पूरे शवाब पर थी। शिमला में दिसंबर की ठंड और शहरों से ज़्यादा पड़ती है। प्रोफेसर बख्शी एक छोटे से कस्बे के रेलवे स्टेशन पर चुपचाप खड़े इधर उधर देख रहे थे। रेलवे स्टेशन पर मुश्किल से 4 या 5 ही व्यक्ति होंगे। रेलवे स्टेशन के चारों ओर सन्नाटा सा पड़ा हुआ था। वहाँ पर इक्का दुक्का दुकान थी जो कि बंद थी और स्टेशन के सामने एक छोटा सा ढाबा था जो खुला था। उसको देखकर ऐसा लगता था जैसे वो होटल रात भर खुलता हो, मगर उस होटल में भी सिर्फ 1 या 2 ही व्यक्ति ही दिखाई दे रहे थे। ठंड बढ़ती चली जा रही थी, हवा भी काफ़ी तेज चल रही थी।
प्रोफेसर बख्शी अपने दोनों हाथों को रगड़कर अपने दोनों हाथ अपने कोट के जेब में रखकर स्टेशन के उधर उधर देख रहे थे। शायद वो कोई तांगा या किसी रिक्शे के इंतज़ार में खड़े थे, मगर वहाँ आसपास कोई रिक्शा तांगा वाला मौजूद ना था, क्योंकि वो कोई बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं था, बल्कि एक साधारण सा कस्बे का रेलवे स्टेशन मालूम होता था। स्टेशन के अंदर मुश्किल से चार या पांच व्यक्ति आग से हाथ ताप रहे थे। प्रोफेसर बख्शी के जब नज़र उस आग की तरफ पड़ी तो उन्हें सर्दी की शिद्दत और महसूस होने लगी, और वो धीरे धीरे कदमों से जहां लकड़ियां जल रही थी उस ओर चले आए। वहां पर मुश्किल से चार या पांच ही व्यक्ति थे। प्रोफेसर बख्शी उन्हीं व्यक्तियों में से एक व्यक्ति से बोले, क्या मैं यहाँ पर कुछ देर के लिए बैठ सकता हूँ? वो पांच व्यक्ति प्रोफेसर बख्शी की तरफ देखने लगे। देखकर ही पता चलता था कि वो गांव के बहुत सीधे सादे लोग थे। तभी उन्हीं में से एक व्यक्ति बहुत ही अपनायित से बोला, बाबूजी, आप भी हमारे साथ बैठ जाओ, सर्दी बहुत है, हम आपको वहां पर बहुत देर से खड़ा देख रहे थे, हम आपको बुलाने ही वाले थे, अच्छा हुआ आप खुद ही आ गए। प्रोफेसर बख्शी उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। उनके हाथ में बस एक छोटा सा बैग था। प्रोफेसर बख्शी वहां पर बैठ गए। फिर उन पांच व्यक्तियों में से एक व्यक्ति प्रोफेसर बख्शी से कहने लगा, आप बाहर से आए हैं बाबूजी? प्रोफेसर बख्शी ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मैं शहर से आया हूँ। फिर वो व्यक्ति प्रोफेसर बख्शी से बोला, कहाँ पर जाना है बाबूजी आपको? प्रोफेसर बख्शी को अब थोड़ा सुकून महसूस होने लगा, क्योंकि सर्दी से उन्हें थोड़ी राहत मिल गई थी। फिर प्रोफेसर बख्शी ने बहुत दोस्ताना अंदाज में उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मेरा नाम अब्दुल है बाबूजी, मैं यहीं पास में काम करता हूँ, आज घर जाने वाला था मगर रात हो गई, वैसे आपको कहाँ जाना है बाबूजी? प्रोफेसर बख्शी अब्दुल की तरफ बहुत गौर से देखा और कहने लगे, मुझे पुलगा गांव जाना है। प्रोफेसर बख्शी ने जैसे ही पुलगा गांव का नाम लिया, वे पांचों व्यक्ति प्रोफेसर बख्शी को बहुत गौर से देखने लगे। प्रोफेसर बख्शी ने देखा कि वो पांचों व्यक्ति की आंखों में एक अजीब सा डर था। प्रोफेसर बख्शी अब्दुल की तरफ देख कर कहा, क्या बात है, तुम लोगों के चेहरे इस गाँव का नाम सुनकर उतर क्यों गए? ऐसा क्या है उस गाँव में? प्रोफेसर बख्शी की बात सुनकर अब्दुल थोड़ी देर खामोश रहने के बाद बोला, अगर आपको पुलगा गांव जाना है बाबूजी, तो फिर तो आपको सारी रात हमारे ही साथ बैठकर हाथ तापने पड़ेंगे। मतलब? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा अब्दुल। मतलब ये है बाबूजी कि रात के वक्त पुलगा गांव में कोई नहीं जाता, और ख़ास तौर से तब जब चाँद की आखिरी तारीख हो। हाँ, कल दिन में आप वहाँ पर जा सकते हैं, आज रात में तो आप वैसे भी नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ जाने के लिए आपको कोई सवारी नहीं मिलेगी। वैसे पुलगा गांव यहाँ से कितनी दूर है? पुलगा गांव यहाँ से बाबूजी 15 या 20 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से पुलगा गांव तक सड़क कच्ची है, और उसके अगल बगल में घने जंगल हैं, रास्ता भी बहुत उबर खाबर है, वहाँ तक कार मोटर गाड़ी बहुत ही मुश्किल से जा पाती है, ज़्यादातर वहाँ पर तांगा घोड़ा गाड़ी ही यहाँ से जाती है, मगर रात के वक्त यहाँ पर कोई तांगे वाला आपको वहाँ पर ले जाने के लिए तैयार नहीं होगा, चाहे आप उसके लिए कितनी भी कीमत उसको दें। प्रोफेसर बख्शी को अब्दुल ने ये सारी बात एक ही सांस में बता दी। प्रोफेसर बख्शी जो उसकी बात बहुत ही दिलचस्पी से सुन रहे थे, कहने लगे कि ऐसा क्या है उस रास्ते में कि कोई भी तांगे वाला वहाँ पर रात के वक्त जाता नहीं? प्रोफेसर बख्शी की बात सुनकर अब्दुल अपने पास बैठे उन चारों व्यक्तियों को देखने लगा जो कि उसके पास बैठे हुए थे, मानो जैसे वो अब्दुल से मना कर रहे थे कि इस बारे में कोई बात मत करो। प्रोफेसर बख्शी अब्दुल को बहुत गौर से देख रहे थे। फिर वो बहुत ही दोस्ताना अंदाज में अब्दुल से बोले, घबराओ नहीं अब्दुल, हमारे पास आज की पूरी रात है, और वैसे भी तुमने कहा है कि रात में कोई भी तांगे वाला वहाँ तुम्हें उस गांव पर ले जाने के लिए तैयार नहीं होगा,
और ना यहाँ पर कोई होटल है ठहरने के लिए। तो वैसे भी मुझे रात तुम लोगों के साथ ही गुजारनी है। अब रात गुजारने के लिए कुछ तो बात करनी होगी, और वैसे भी मैं इस जगह पर तुम लोगों का मेहमान हूँ। प्रोफेसर बक्सी की बात सुनकर अब्दुल के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आ गई। गांव के ही लोग थे वो, और वैसे भी गांव के लोग दूसरे लोगों से बहुत ही जल्दी घुल मिल जाते हैं। शायद प्रोफेसर बक्सी इस बात को जानते थे और उन्होंने इसी बात का फ़ायदा उठाया। फिर वो अब्दुल से पूछने लगे, बताओ अब्दुल, उस रास्ते में ऐसा क्या है कि वहाँ पर रात के वक्त कोई नहीं जाता? उनकी बात सुनकर अब्दुल उनसे कहने लगा, जी आपने अपना नाम अब तक हमें नहीं बताया। प्रोफेसर बक्सी ने अपना पूरा नाम अब्दुल को बताया और चारों व्यक्ति जो प्रोफेसर बक्सी के साथ ही बैठकर हाथ ताप रहे थे, वो प्रोफेसर को बहुत गौर से और दिलचस्पी से देखने लगे। अब्दुल, मेरा नाम प्रोफेसर बक्सी है और मैं दिल्ली शहर का रहने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मेरा कोई दोस्त है, उसे मिलने के लिए आया हूँ मैं। उसने अपना गांव का पता पुलगांव ही बताया है। प्रोफेसर की बात सुनकर अब्दुल प्रोफेसर से कहने लगा, प्रोफेसर कमाल की बात है, उसने आपको ये नहीं बताया कि पुलगा गांव में रात में कोई नहीं जाता, दिन में आपको आना चाहिए था। प्रोफेसर ने कहा, नहीं ऐसा तो उसने कुछ नहीं बताया। अब्दुल कुछ कहना ही चाहता था कि प्रोफेसर ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, अब छोड़ो यार, बताओ ना उस रास्ते में ऐसा है क्या कि लोग वहाँ पर रात को नहीं जाते हैं? अब्दुल ने कहा कि हमारे गांव में उस जगह पर चांद की आखिरी तारीख में कोई नहीं जाता। डर का ऐसा माहौल है कि पहले तो चांद की आखिरी तारीख में उस रास्ते पर से रात में कोई नहीं गुजरता था, मगर जब से ये दो घटनाएं हुई है तो आम रातों में भी अब वहाँ पर उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता। अब दिन के वक्त भी लोग वहाँ पर बहुत डर डर के जाते हैं। प्रोफेसर ने कहा, मुझे खुलकर बताओ। अब्दुल ने कहा, अरे बाबूजी क्या बताऊँ आपको, कुछ दिनों पहले दो लोग इसी स्टेशन पर आए थे। उन्होंने हमसे कहा कि हमें उस गांव में जाना है, रात हो गई थी, हमने मना कर दिया। हम लोगों ने बहुत समझाया कि रात के वक्त मत जाओ, मगर वो लोग नहीं माने। एक तांगे वाला उनके दिए हुए पैसे के लालच में आ गया और उस गाँव में जाने के लिए तैयार हो गया। पता है बाबूजी उसके साथ क्या हुआ? प्रोफेसर, जो कि अब्दुल की बात बहुत गौर से सुन रहे थे, कहने लगे, क्या हुआ उसे? अब्दुल ने कहा कि उस तांगे वाले की लाश जंगल की झाड़ियों में मिली, बहुत बुरी हालत में। ऐसा लगता था जैसे किसी जंगली जानवर बुरी तरह से उसको चीर फाड़ डाला हो। प्रोफेसर ने कहा, क्या पुलिस ने इंक्वायरी नहीं की? अब्दुल बोला, अजी क्या इंक्वायरी करेगी पुलिस साहब, सारे पुलिस वाले जानते हैं कि ये कोई जानवर का काम नहीं है। जानवर तो दिन में भी हमला करते हैं, लेकिन वहाँ पर रात में ही हादसे होते हैं, ये तो किसी भूत प्रेत चुड़ैल का काम है। प्रोफेसर बक्सी ने अब्दुल की तरफ देखकर कहा, क्या तुम अभी भी भूत प्रेत पर यकीन करते हो? अब्दुल प्रोफेसर बक्सी की तरफ रहस्यमय तरीके से देखने लगा। फिर वो कुछ देर बाद ठंडी सांस भरकर बोला, प्रोफेसर आप शहर के रहने वाले हो, आप शहरी लोग इन बातों को नहीं मानते, क्योंकि आप शहरी लोगों का पाला इन बातों से बहुत कम पड़ता है, लेकिन हम गांव वाले इन वीरानों में आबाद हैं। हम जानते हैं कि इस दुनिया में दूसरे लोग भी हैं। आप कह सकते हैं कि भूत प्रेत चुड़ैल जो भी हो, उनका वजूद भी इसी दुनिया में है। प्रोफेसर अनजान होने का नाटक करने लगे। फिर वो अब्दुल से कहने लगे, अच्छा तो क्या तुमने कभी भूत प्रेत चुड़ैल को देखा है? अब्दुल प्रोफेसर को बहुत गौर से देखने लगा, उसे शायद प्रोफेसर की बात पसंद नहीं आई थी। बाबूजी आप मानो या ना मानो, लेकिन हमने अपने बड़े बुजुर्गों से यही कहानियां सुनी हैं कि उस रास्ते में किसी दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खुलता है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने अक्सर वहाँ पर एक लड़की को देखा है जो बहुत ही खूबसूरत है, मगर सच तो ये है बाबूजी कि वो लड़के जितने भी लोगों को रात में दिखाई दी है, वो लोग जिंदा वापस नहीं बचे हैं, और जो जिंदा बचे भी हैं उन्हें अपनी सारी उम्र चारपाई पर ही काट दी। पर कमाल की बात तो ये है बाबूजी कि उस जगह पर दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, वहाँ सिर्फ वीराना है वीराना।
अब्दुल आगे बता ही रहा था तभी उन चारों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बोला, प्रोफेसर आप क्या इन बातों को मानोगे? आप ठहरे शहरी लोग, इन बातों को नहीं मानते। मैं बताता हूँ आपको, अभी 2 या 3 दिन पहले एक पुलिस वाला भी आया था यहाँ पर कुछ इंक्वायरी करने। हमने उससे कहा कि जंगल में अकेले मत जाओ, लेकिन वो नहीं माना। सब तांगे वालों ने उसे मना कर दिया। सब ने उससे कहा कि नहीं, हम रात में उस जंगल में से नहीं जाएंगे, लेकिन वो पुलिस वाला बहुत ही अड़ियल था, किसी की बात को नहीं माना और पैदल ही वहाँ से निकल पड़ा। दूसरे दिन उसकी लाश जंगल की झाड़ियों में मिली। आप समझदार हो प्रोफेसर, जो हमारी बातों को मानकर या हमारे साथ बैठे हो कम से कम जिंदा तो हो। प्रोफेसर बख्शी उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगे और चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि प्रोफेसर के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, जैसे कि मामले की तह तक कैसे पहुंचा जाए। तभी अब्दुल बोल पड़ा, क्या सोच रहे हैं प्रोफेसर? प्रोफेसर उसकी बात सुनकर अचानक अपनी सोच से बाहर आ गए। कुछ नहीं अब्दुल, बस यही सोच रहा था कि सुबह होने वाली है कुछ ही देर में, क्या तुम मुझे पुलगा गांव तक छोड़ोगे? मुझे तुम आदमी अच्छे लगे। अब्दुल अपने चारों दोस्तों को देखने लगा, जैसे कि पूछना चाह रहा हो कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। फिर कुछ देर बाद सोचने के बाद अब्दुल बोला, ठीक है प्रोफेसर, आप फिक्र ना करो, वैसे भी चांद की आज आखिरी तारीख थी। आप आदमी अच्छे हो, आप और शहरी बाबू की तरह नहीं हो, आपकी आदत मुझे अच्छी लगी, सिर्फ इसी वजह से मैं आपको ले चलूँगा। प्रोफेसर उसकी बात सुनकर खुश हो गए और वो सोचने लगे कि अब आगे क्या किया जाए। आधी रात का वक्त था, मगर किसी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो कोई और नहीं बल्कि रुकिया बेगम थी, जो अपने कमरे में चहलकदमी कर रही थी। पता नहीं क्यों आज उन्हें नींद नहीं आ रही थी और वो बार बार रात के वक्त अपने कमरे में टहल रही थी। तभी उनकी नज़र अचानक सोफे पर पड़ी। वहाँ पर उन्होंने देखा एक अंगूठी पड़ी हुई थी। इस अंगूठी में को अच्छी तरह से पहचानती थी ये अंगूठी, किसी और की नहीं बल्कि पीर बाबा की थी। रुकिया बेगम ने मन ही मन सोचा, लगता है पीर बाबा अपनी अंगूठी यहीं भूल गए, अजीब बात है। वो खुद से जैसे बातें करने लगी, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ पीर बाबा अपनी कोई भी चीज़ यहाँ भूल जाए, फिर ये अंगूठी कैसे रह गई। फिर अचानक उन्हें एक पुरानी बात याद आ गई इस अंगूठी के बारे में। एक बार पीर बाबा से इस अंगूठी के बारे में पूछा था, जिसके जवाब में पीर बाबा ने कहा था कि अंगूठी बहुत ही बेशकीमती है, मैं इसे अपने बदन से 1 सेकेंड भी अलग नहीं रख सकता, इसे आगे कुछ नहीं बता सकता। ये सोचकर रुकिया बेगम फिक्रमंद हो गई। उनके मन में ख्याल आया कि ये अंगूठी बहुत ही कीमती है, लगता है पीर बाबा बहुत ही जल्दी में थे जो इस अंगूठी को यहाँ पर भूल गए। ये अंगूठी अभी इसी वक्त उनको दे देनी चाहिए। फिर उन्होंने सहबाज को आवाज़ लगाई, सहबाज भी जैसे जग रहा था, उसको भी नींद नहीं आ रही थी। अम्मी की एक आवाज़ सुनकर वो अपने कमरे से बाहर आ गया। क्या हुआ अम्मी जान? अम्मी जान ने कहा कि बेटा, ये अंगूठी पीर बाबा यहाँ भूल गए हैं, तुम अभी इसी वक्त इस अंगूठी को उनके घर दे आओ। अम्मी जान कैसी बातें कर रही हैं आप, आधी रात हो रही है, सुबह चला जाऊँगा, कम से कम सुबह का इंतज़ार कर लीजिए। रुकिया बेगम के चेहरे पर गुस्सा आ गया। नहीं सहबाज, तुम नहीं समझते, ये अंगूठी पीर बाबा के लिए बहुत कीमती है, मैंने तुमसे जो कहा है वो करो, ये अंगूठी अभी इसी वक्त उनके घर पर दे आओ। सहबाज के लिए उसके अम्मी का हुक्म सर आंखों पर था, इसलिए उसने बगैर सवाल करे अंगूठी को लिया और गाड़ी पर बैठ गया। तभी उसकी अम्मी की आवाज़ आई, रुको मैं भी आती हूँ। आप मेरे साथ इतनी रात को क्यों आ रही है? वैसे भी अमान घर पर अकेला है। रुकिया बेगम अपनी बेटी की बात सुनकर रुक गई। फिर उन्होंने अपने नौकरों को बुलाया और अपने नौकरों से कहा कि अमान का खास ख्याल रखना, वो इस वक्त अपने कमरे में है, उसकी शादी हुई है, तुम लोग तो जानते ही हो, वैसे वो बाहर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी तुम्हें उसका ध्यान रखना है, उसे किसी भी कीमत पर बाहर नहीं निकलने देना, मैं 1 घंटे में आ जाऊँगी। फिर वो अंगूठी लेकर अपने बेटे के साथ गाड़ी पर बैठ गई
और शहबाज गाड़ी ड्राइव करने लगा। कुछ ही देर बाद पीर बाबा के घर पर थे, जो कि नहर के सामने था। रुकिया बेगम ने दरवाज़ा खटखटाया, मगर अंदर से कोई आवाज़ ना आई। रुकिया बेगम के चेहरे पर फिक्रदारी हो गई। वो मन ही मन सोचने लगी कि अभी कुछ देर पहले ही पीर बाबा हमारे घर से गए हैं, इतनी जल्दी तो वो सो नहीं सकते। ऐसा पहली बार हुआ है कि हमें इतनी देर तक दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला, सामने पीर बाबा खड़े थे। पीर बाबा रुकिया बेगम और सहबाज को देखकर चौंक गए। तुम लोग इतनी रात को यहाँ, खैरियत तो है? रुकिया बेगम ने पीर बाबा से कहा। पीर बाबा, आप तो पूरी पूरी रात इबादत करते हो, आप इतनी जल्दी कैसे सो गए? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, आप सुबह ही सोते हो। पीर बाबा ने कहा, हाँ कुछ देर पहले ही मेरी आँख लग गई थी, लेकिन तुम लोग इतनी रात गए मेरे पास क्या कर रहे हो? खैरियत तो है? पीर बाबा, आप तो हमें देखकर ऐसे चौंक गए जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। अभी कुछ देर पहले ही तो आप हमारे घर पर आए थे, और ये अंगूठी आप छोड़ गए हैं। अंगूठी? कैसी अंगूठी? ये अंगूठी, पीर बाबा ने अपने हाथ की तरफ देखा। पीर बाबा के हाथ में अंगूठी गायब थी। अपने हाथ से अंगूठी को गायब देखकर पीर बाबा की हैरत का ठिकाना ना रहा। वो हैरत से रुकिया बेगम और सहबाज की तरफ देखने लगे। उनके चेहरे पर अब परेशानी झलकने लगी। पीर बाबा के चेहरे पर परेशानी देखकर रुकिया बेगम भी परेशान हो गई। पीर बाबा ने परेशान के आलम में रुकिया बेगम को देखते हुए कहा, अंदर आ जाओ तुम दोनों। सहबाज और रुकिया बेगम दोनों पीर बाबा के घर के अंदर चले गए। पीर बाबा ने फिर उन लोगों से पूछा, ये अंगूठी तुम लोगों के पास कैसे आई? पीर बाबा की बात सुनकर सहबाज और रुकिया बेगम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पीर बाबा ने उन लोगों से पूछा, मुझे बताओ तुम लोग, ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? रुकिया बेगम से अब रहा नहीं गया। उन्होंने फिर पीर बाबा से कहा, कैसे बातें कर रहे हैं आप पीर बाबा? ये अंगूठी आप कुछ देर पहले हमारे घर पर भूल आए थे। भूल आया था तुम्हारे घर पर? कैसी बातें कर रही हो रुकिया बेगम? जब मैं तुम्हारे घर पर गया ही नहीं, तो ये अंगूठी मैं कैसे भूल सकता हूँ? पीर बाबा की बात सुनकर रुकिया बेगम सख्त परेशान हो गई। फिर वो पीर बाबा से कहने लगी, पीर बाबा कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसी बातें करके आप मुझे डरा रहे हैं। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ रुकिया बेगम, मैं तुम्हारे घर पर आया ही नहीं। हाँ ये बात सच है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा अमान को देखने, मगर मुझे वक्त नहीं मिला, मैं कल आने वाला था। अगर आप हमारे घर पर नहीं आए पीर बाबा, तो फिर वो कौन था जो हमारे घर पर आया था? पहलिया मत बुझाओ रुकिया बेगम, साफ साफ बताओ हुआ क्या है? रुकिया बेगम ने सारी बात पीर बाबा को बता दी कि किस तरह से पीर बाबा उनके घर पर आए एक लड़की लेकर, और उन्होंने उस लड़की का निकाह उनके बेटे अमान के साथ करा दिया। पीर बाबा रुकिया बेगम की बात सुनकर उछल पड़े और चीखते हुए बोले, ये तुमने क्या किया रुकिया बेगम? तुमने बरसों पुरानी मेहनत पर मिनटों में पानी फेर दिया। वो लोग जीत गए और हम हार गए रुकिया बेगम। रुकिया बेगम पीर बाबा की बात सुनकर बोल पड़ी, पीर बाबा कैसे हार कैसे जीत? पीर बाबा, आप ही हमारे घर पर आए थे, आपने ही सारे के सारे ताबीज घर से निकलवाए, और आपने ही मुझसे कहा कि तुम्हें इस लड़की का निकाह अपने बेटे से करना पड़ेगा। पागल मत बनो रुकिया बेगम, मैं आज अपने घर से निकला ही नहीं, मैं तुम्हारे घर पर कैसे आऊँगा? और तुम खुद सोचो कि मैं अपनी कोई भी चीज़ कभी भी कहीं भी नहीं भूलता। पीर बाबा, अगर आप हमारे घर पर नहीं आए, तो फिर वो कौन था? वो छलावा था, छलावा रुकिया बेगम, पीर बाबा ने चीखते हुए रुकिया बेगम से बोले, मेरा रूप लेकर तुम्हारे घर में घुसकर उसने वो कर दिया जो इतने सालों में नहीं कर पाया। रुकिया बेगम, तुमने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया।
रुकिया बेगम पीर बाबा की बात सुनकर गुस्सा हो गई। उनको पीर बाबा की बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उन्हें पीर बाबा से इस तरह बात करने की उम्मीद नहीं थी। जब उनके सब्र का बांध टूट गया तो फिर वो भी पीर बाबा से कहने लगी, आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं पीर बाबा जैसे कि सारी गलती हमारी है। चलिए अगर हम एक बार को अपनी गलती मान भी ले तो फिर आप हमें ये बताइए कि आपकी अंगूठी हमारे घर पर कैसे आई, यानी चूक कहीं ना कहीं आपसे भी हुई है पीर बाबा। पीर बाबा रुकिया बेगम की बात सुनकर थोड़ा शांत हो गए और चुपचाप बैठ गए। रुकिया बेगम पीर बाबा से बोली, पीर बाबा अगर आप हमारे घर पर नहीं आए तो फिर वो कौन था? पीर बाबा ने रुकिया बेगम से कहा, 10 मिनट रुको, मैं तुम्हें अभी सब बताता हूँ। पीर बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ली। रुकिया बेगम और शहबाज एक दूसरे को तरफ परेशानी के आलम में देखने लगे। 10 मिनट बाद पीर बाबा ने अपनी आंखें खोली और उनके चेहरे पर एक डर दिखने लगा। रुकिया बेगम ने पीर बाबा को पहली बार डरते हुए देखा था। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रुकिया बेगम बोली, क्या हुआ पीर बाबा, क्या देखा आपने? पीर बाबा ने रुकिया बेगम से कहा, रुकिया बेगम जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ। ये सालों की मेहनत थी जिस पर पानी फिर गया। तुम्हारे घर पर जो आया था वो मैं नहीं, एक छलावा था, और मैं उस छलावे को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो छलावा कौन था और उसका मकसद क्या था, और तो और उसका मकसद जो भी था वो उस मकसद में कामयाब हो गया। मगर वो एक बात नहीं समझता कि उसने मुझसे टक्कर ली है। मैं उसे किसी भी कीमत पर छोड़ूंगा नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। अब क्या होगा पीर बाबा, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है आपकी बात सुनकर। तो फिर वो लड़की जो मेरे बेटे की बीवी बन चुकी है वो कौन है? पीर बाबा ने रुकिया बेगम की तरफ रहस्यमय नजरों से देखा। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही है जो अमान को उस वीराने में मिली थी। बड़ी मुश्किल से मैं अमान को इस वीराने में से निकाल कर लाया था, मगर वो लड़की उस वीराने से निकल कर खुद तुम्हारे घर पर जाकर बैठ गई है। अब मुसीबत सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम सब के लिए है। पीर बाबा बहुत हो गया। शहबाज जो बहुत देर से पीर बाबा और अपनी माँ की बात सुन रहा था, उसे रहा नहीं गया, उसे बोलना ही पड़ा। पीर बाबा, मैं तुम दोनों की बात बहुत देर से सुन रहा हूँ और आज तक सुनता आया हूँ। मैंने आज तक आपकी बात में दखल नहीं दिया, मगर अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अब आपको बताना ही पड़ेगा कौन सी मुसीबत और वो लड़की वीराने से यहाँ कैसे आ गई। आखिर इन सब का हमारे घर से, हमारे खानदान से क्या ताल्लुक है? आप हमें पूरी बात बताइए। पीर बाबा ने बहुत गुस्से भरी नजरों से शहबाज की तरफ देखा। क्या जानना चाहते हो तुम? सब कुछ पीर बाबा, जो इतने सालों से मैं सुनता आया हूँ, अब आपको बताना ही पड़ेगा कि आखिर हमारा क्या ताल्लुक है इन सारी बातों से। पीर बाबा ने रुकिया बेगम की तरफ देखा। रुकिया बेगम ने भी अपने बेटे का साथ दिया और वे पीर बाबा से कहने लगी, पीर बाबा अब मुझसे भी रहा नहीं जाता है। वो लड़की कौन है जो मेरे बेटे की बीवी बन चुकी है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पीर बाबा, एक आदमी आपकी शक्ल में मेरे घर पर आता है और आपके सारे ताबीज़ निकलवा देता है और अपने दिए हुए ताबीज़ करवा देता है, और एक लड़की मेरे बेटे की अचानक बीवी बन जाती है। सब कुछ इतना अचानक होता है कि कुछ पता नहीं चलता। इससे ये साफ जाहिर होता है कि वो लोग कोई भी हो बहुत ताकतवर है। अब आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि वो लड़की आखिर है कौन जो मेरे बेटे के पीछे पड़ी है। पीर बाबा ने रुकिया बेगम से कहा, अभी ये सारी बातें करने का वक्त नहीं है। अब हमें ये सोचना है कि हमें अब आगे क्या करना चाहिए। पीर बाबा की बात सुनकर शहबाज चीखते हुए बोला, मेरी अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है पीर बाबा, हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे जब तक कि आप हमें पूरी हकीकत नहीं बताएंगे।
आप हमें पूरी हकीकत बताएं कि आखिर उस लड़की का हमारे खानदान से क्या ताल्लुक है और हमारे घर का उन वीरानों से क्या ताल्लुक है। पीर बाबा को सहबाज का चीखना का अंदाज पसंद नहीं आया। पीर बाबा ने नसीहत भरे अंदाज में सहबाज से कहा, अपनी आवाज़ नीचे रखो सहबाज, तुम्हारे बाप भी हमसे नीची आवाज में बात किया करते थे। मैं आपकी इज्जत करता हूँ पीर बाबा, लेकिन अब इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको अब सब कुछ हम लोगों को बताना ही पड़ेगा कि आखिर इन सब के पीछे राज क्या है। पीर बाबा ने बहुत मना किया, लेकिन आज सहबाज किसी भी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वैसे सहबाज पीर बाबा से इतना नहीं बोलता, लेकिन रुकिया बेगम की खामोशी ने उसकी हिम्मत को और बढ़ा दिया। शायद वो भी अब उस राज को जानना चाहती थी जो अब तक उससे छुपाया गया था। रुकिया बेगम ने पीर बाबा से कहा, मैं भी अपने बेटी की बात से सहमत हूँ। मैं जानती हूँ कि आपने हमारे खानदान को हमेशा साथ दिया है, लेकिन इतनी बड़ी चूक आपसे कैसे हो गई? वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपको भी हरा दिया? पीर बाबा के चेहरे की कैफियत अब बदलने लगी थी। शायद पीर बाबा को उन दोनों की जिद से चिर हो रही थी। पीर बाबा ने रुकिया बेगम की तरफ देखते हुए कहा, क्या जानना चाहती हो तुम? मैं यही जानना चाहती हूँ पीर बाबा कि उस लड़की का मेरे बेटे से क्या ताल्लुक है, वो मेरे बेटे के क्यों पीछे पड़ी हुई है। पीर बाबा ने गुस्से के आलम में कहा, मेरी बात गौर से सुनो रुकिया बेगम, तुम जिसे अपना बेटा बेटा कह रही हो, सच तो ये है हकीकत में वो तुम्हारा बेटा है ही नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं पीर बाबा? ऐसा कैसे हो सकता है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि अमान मेरा बेटा नहीं है? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अमान तुम्हारा बेटा नहीं है। पीर बाबा ने गुस्से से कहा, तुम्हारी सिर्फ एक ही औलाद है और वो इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ी है। रुकिया बेगम को पीर बाबा की बात सुनकर चक्कर आने लगे और उन्होंने उसी आलम ने कहा कि अगर अमान मेरा बेटा नहीं है तो फिर कौन है? अमान के ऊपर मानो जैसे बिजली गिर गई थी। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसने जो चेहरा देखा था वो चेहरा रुबीना का ही था। उसे अभी यकीन नहीं आ रहा था। फिर अमान बेड से बेचैनी से उठा और टहलने लगा। अमान का दिल किसी अनजाने खौफ से धड़क रहा था। उसके ऊपर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई थी और वो मन ही मन में सोच रहा था, क्या वो रुबीना है? फिर उसके दिल में ख्याल आता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, लेकिन मैंने उसका चेहरा देखा था, शायद मुझे कोई वहम हुआ होगा। फिर अमान दोबारा जाकर बेड पर बैठ गया और उसने फिर घूंघट उठाया। अमान फिर चौंक गया। हाँ, वो रुबीना ही थी जो अमान को देखकर मुस्कुरा रही थी। कड़ाके की ठंड में अमान के माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी। अमान ने खुद को संभाला और अपने अंदर हिम्मत इकट्ठा की। फिर उसने मन ही मन सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। फिर उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? उस लड़की ने अमान की तरफ देखा। फिर उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, अमान चिल्लाते हुए कहा। कौन हो तुम? फिर उस लड़की ने अमान से कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? जानता हूँ, तुम वही लड़की हो जो उस वीराने में मुझे मिली थी। सच बताओ मुझे, मेरी अम्मी जान ने बताया है कि तुम्हारा नाम आलिया है, मगर मैं तुम्हें जानता हूँ तुम्हारा नाम आलिया नहीं है, तुम्हारा नाम रुबीना है। सच बताओ कौन हो तुम, मेरा दिमाग फटा जा रहा है, अब मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम खुद फैसला करो अमान, और अपने दिल से पूछकर मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ। तुम्हारा दिल क्या कहता है अमान? पहलिया मत बुझाओ, मुझे बस ये बताओ क्या तुम रुबीना हो? रुबीना जो अब तक अमान को देखकर मुस्कुरा रही थी, उसकी मुस्कुराहट अब थोड़ी गुस्से में बदल गई। हाँ, मैं रुबीना ही हूँ। अमान उसकी बात सुनकर चौंक पड़ा।
अमान के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था कि पीर बाबा ने उसका निकाह क्या वाकई रुबीना से ही कर दिया है। अगर ऐसा है तो उस वक्त पीर बाबा ने रुबीना से दूर रहने को क्यों कहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं, उसका दिमाग पूरी तरीके से उलझ गया था और वो बिल्कुल खामोश खड़ा हुआ था, जैसे वो हिम्मत हार गया हो। रुबीना जो बहुत देर से अमान को देख रही थी, फिर खुद ही बोल पड़ी, मैं जानती हूँ अमान कि तुम्हारे दिमाग में क्या क्या सवाल चल रहे हैं, मगर तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? क्या तुमने मुझे जब पहली बार देखा तो मुझे देखकर तुम्हारे दिल में अपनायत की एहसास हुआ था या नहीं हुआ था? अमान बेबसी से उसे देखने लगा, फिर वो थक हार कर बोला कि मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, सच तो ये है कि मैं पागल हो जाऊंगा। पीर बाबा ने मुझसे खुद कहा था कि तुम लोग मेरे दुश्मन हो, और पीर बाबा ने खुद मेरा निकाह तुमसे कर दिया, ये क्या माजरा है? पीर बाबा का नाम सुनते ही रुबीना की आंख में खून उतर आया और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो गुस्से में बोली, बहुत हो गया अमान, बहुत हो गया। मुझे एक बात बताओ, पीर बाबा ने तुम्हें कितनी सच्चाई बताई है, कितनी हकीकत बताई है? क्या तुम्हें कभी तुम्हारी पिछली ज़िंदगी के बारे में उन्होंने बताया है? क्या उन्होंने कभी ये तुम्हें बताया है कि तुम कौन हो? अमान, जो कि रुबीना की बात को बहुत गौर से सुन रहा था, कहने लगा, तुम कहना क्या चाहती हो रुबीना? मैं ये कहना चाहती हूँ अमान कि तुम्हारे हिसाब से ये निकाह हमारा अभी कुछ देर पहले हुआ है, जबकि सच बात तो ये है कि हमारी शादी को पूरे 500 साल हो चुके हैं। रुबीना के ये अल्फाज सुनकर अमान बुरी तरह से बौखला गया। क्या बकवास कर रही हो तुम, हमारी शादी को 500 साल हो चुके हैं, ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? हो सकता है अमान, हम लोगों की दुनिया में हो सकता है, हाँ इस दुनिया में नहीं हो सकता। कौन सी दुनिया, कैसी दुनिया, क्या कहना चाहती हो तुम? मैं वो कहना चाहती हूँ अमान, जो तुम्हें आज तक कभी बताया नहीं गया। जब मैंने तुम्हें याद दिलाने की कोशिश की थी तो तुम्हें उसी वक्त उसी रात को सब कुछ याद आ जाता, मगर तुम पीर बाबा की बातों में आकर उस खिड़की से कूद गए और पीर बाबा एक बार फिर से कामयाब हो गया। तो फिर मैं क्या करता, मेरे सामने तुम लोगों ने मेरे दोस्त को जान से मार दिया। अमान की आंखों में आंसू आ गए। हमने उसे जान से नहीं मारा अमान, उसे जान से तुमने मारा है। नहीं, ये सब कुछ झूठ है, बकवास है, मैं भला अपने दोस्त को क्यों मारूंगा? और मैं अपने दोस्त को मारता हूँ और मुझे कुछ याद भी नहीं रहता? तुम्हें क्या लगता है तुम जो भी बकवास करोगी मैं तुम्हारे बकवास पर यकीन करता जाऊंगा? ये बकवास नहीं है अमान, यह सच है और तुम्हें इस सच का पता थोड़ी देर बाद लग जाएगा। अब अमान के दिल में थोड़ा थोड़ा डर कम होने लगा था। पता नहीं उसके दिल में कैसे अजीब सी एक कैफियत सवार हो गई थी, जो उसे बार बार कह रही थी कि कहीं ना कहीं रुबीना के बातों में सच्चाई है। रुबीना, सच तो ये है कि मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा, तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है। पीर बाबा ने मुझे कभी कोई बात खुलकर नहीं बताई, लेकिन आज तुम ही मुझे बता दो सच्चाई क्या है। मुझे बताओ, तुमने उस वक्त भी कहा था कि मैंने अपने दोस्त शमशाद को खुद मारा है। अगर मैंने अपने दोस्त को शमशाद को खुद मारा है तो फिर मेरे साथ गांव तक कौन आया था? क्या वो शमशाद नहीं था? और अगर मैंने अपने दोस्त शमशाद को मारा है तुम्हारे कहने के मुताबिक, तो फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? और पीर बाबा, जो मुझे उस दरवाजे से निकालकर मेरी दुनिया में ले आए थे, फिर अचानक उन्होंने मेरा निकाह तुमसे कैसे करा दिया? मुझे बताओ रुबीना, मेरा दिमाग फटा जा रहा है। रुबीना, जो अमान को बहुत प्यार भरी नज़रों से देख रही थी, फिर वो कहने लगी, मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ अमान, दरअसल तुम्हारे साथ जो गाँव तक आया था वो तुम्हारा दोस्त नहीं, वो हमारा ही भेजा हुआ एक छलावा था। छलावा? मैं समझा नहीं रुबीना। समझ जाओगे अमान, थोड़ी देर बाद सब समझ जाओगे। जिस पीर बाबा ने हमारा निकाह कराया है वो भी एक छलावा था, वो पीर बाबा नहीं थे। हमारा निकाह तो बहुत पहले तुमसे हो चुका है और तुम पीर बाबा को जितना अच्छा इंसान समझते हो वो इतना अच्छा इंसान नहीं है।
सच तो ये है कि सारे फसाद की जड़ वो पीर बाबा ही है। वो देखने में जितना शरीफ लगता है मगर अंदर से उसके अंदर मक्कारी कूट कूट कर भरी हुई है। सच तो ये है अमान कि पीर बाबा तुम्हारा हमदर्द नहीं, पीर बाबा तुम्हारा दुश्मन है। अमान कुछ कहना ही वाला था कि रुबीना अमान को बीच में रोक दिया। नहीं अमान नहीं, आज पहली बार हमें तुमसे कहने का मौका मिला है। हमने इससे पहले कई कोशिशें की मगर पीर बाबा ने हमारी हर कोशिश को नाकाम कर दिया। आज तुम नहीं मैं बोलूँगी, तुम्हें सच्चाई का पता लगना आज रात बहुत ज़रूरी है। मेरी बात का यकीन मानो, जब तुम्हें सच्चाई पता लगेगी तुम खुद पीर बाबा की जान के दुश्मन बन जाओगे। मगर इस बात की क्या गारंटी है कि तुम जो बताओगी उस बात में सच्चाई होगी? कोई झूठ नहीं होगा। और फिर ये भी तो हो सकता है कि तुम मुझे अपने जाल में फंसा रही हो रुबीना। अमान की बात को रुबीना जो बहुत गौर से सुन रही थी मुस्कुराने लगी। तुम खुद सोचो अमान, आखिर हमें तुम्हें अपने जाल में फंसा कर क्या मिलेगा? अब मेरी बात गौर से सुनो, ये बात सच है कि तुम मेरे शौहर सदियों पहले से हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ अमान 500 सालों से। और तुम्हारी दूसरी सच्चाई ये है कि तुम इंसान नहीं हो। इंसान नहीं हूँ? क्या कह रही हो? तो फिर मैं कौन हूँ? ये भी तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम कौन हो। और तुम्हें सबसे पहले इस बात का यकीन दिलाना बहुत ज़रूरी है कि तुम इंसान नहीं हो। फिर रुबीना ने अमान का हाथ पकड़ लिया और अमान को बेड पर बैठा दिया। फिर अमान से रुबीना ने कहा, अमान इत्मीनान से सोचो और याद करो, अगर ये तुम्हारा घर है और जिसे तुम अपनी अम्मी जान कहते हो, ये तुम्हारी वाकई अम्मी जान है, और जिसे तुम अपना बड़ा भाई कहते हो, अगर वो वाकई तुम्हारा बड़ा भाई है, तो फिर याद करने की कोशिश करो, तुम्हारी इस घर में बहुत सी यादें होगी। बचपन की एक भी याद मुझे बताओ, एक भी ऐसा किस्सा जो तुम्हें याद हो, क्योंकि हम जिस घर में रहते हैं, हमने जिस घर में परवरिश पाई है, अपना बचपन काटा हो, तो हमारे जहन में ढेर सारी यादें रहती हैं। तो मुझे बताओ, मुझे अपनी बचपन की एक भी याद बताओ। अमान रुबीना की बातों को बहुत गौर से सुन रहा था। फिर वो सोचने लगा और बेहद गहरी सोच में डूब गया। फिर रुबीना की आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी, तुम नहीं बता सकते अमान, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारे बचपन की कोई याद नहीं है। अमान फिर गहरी सोच में डूब गया। वो अपने बचपन के बारे में सोचने लगा मगर कोई भी बात उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो और गहराई से अपनी सोच में डूबता चला जा रहा था। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और याद करने की कोशिश करने लगा, मगर अजीब बात ये थी कि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। जब उसने अपनी जहन पर बहुत ज़्यादा जोर डाला तो उसे बस सिर्फ इतना ही याद था कि वो और शमशाद कॉलेज में पढ़ते थे और शमशाद और वो शहर से गांव वापस आए थे। उसे उस सिर्फ इतना ही याद आ रहा था। उसने पीछे जाने की बहुत कोशिश की, अपनी यादों में जाने की, मगर अजीब बात ये थी कि बहुत देर के बाद भी उसे एक भी बात अपने बचपन की याद नहीं आई। जब अमान के बर्दाश्त से बाहर हो गया फिर वो रुबीना से बोल पड़ा, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा रुबीना, क्या तुमने मेरे ऊपर कोई जादू कर दिया है? रुबीना अमान की बात सुनकर मुस्कुरा दी, नहीं अमान, मैंने तुम्हारे ऊपर कोई जादू नहीं किया। सच तो ये है कि तुम्हारा बचपन यहाँ पर कटा ही नहीं, तुम्हारा बचपन तो मेरे साथ बीता है, मेरे भाई के साथ बीता है, तुम्हारा बचपन हम लोगों के साथ बीता है। सदियों पहले तुमने ही मुझसे शादी करने का फैसला किया था। जब तुम्हारा बचपन यहाँ पर बीता ही नहीं तो फिर तुम्हें कैसे याद आ सकता है? अमान को रुबीना की बातों में अब सच्चाई नज़र आने लगी थी। सच बात तो ये है कि उसने उस वक्त अपने बचपन को याद करने की बहुत कोशिश की मगर उसके जहन में एक भी याद नहीं थी, जैसे उसका जहन कोरे कागज़ जैसा हो। फिर उसके कानों में रुबीना की आवाज़ गूंजी। रुबीना ने फिर उससे कहा, हमने तुम्हें ये सब कुछ उस वीराने में भी कहा था, तुम्हें याद दिलाने की कोशिश की थी मगर पीर बाबा ने ऐन मौके पर अपनी चाल खेल दी और फिर उसने तुम्हें हमसे दूर कर दिया।
तुम्हें याद है अमान, तुम जिस महल में गए थे? अमान जो उसकी तरफ बहुत गौर से देख रहा था कहने लगा, हाँ उस महल को मैं कैसे भूल सकता हूँ, मुझे याद है। रुबीना ने कहा, वो महल किसी और का नहीं अमान, वो महल तुम्हारा ही है। तुम ही वहाँ के राजा हो, मतलब मालिक हो। घर तुम्हारा ही है अमान, और मेरा भाई ओवेस जिससे तुम मिल चुके हो वो तुम्हारा बचपन का जिगरी दोस्त है, और मैं तुम्हारी बीवी अमान। रुबीना की बात को अमान बहुत गौर से सुन रहा था, फिर कहने लगा, तुम्हारी एक बात तो ठीक निकली, वाकई मुझे मेरे बचपन की कोई भी एक भी बात मुझे याद नहीं आई। अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूँ, फिर मुझे ये बताओ, अगर ये मेरा माँ और मेरा कोई भाई नहीं है और मेरा इनसे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है और मुझे बचपन की कोई भी बात याद नहीं आ रही है, तो फिर मुझे ये बात भी याद क्यों नहीं आ रही है कि तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारे मुताबिक हमारे शादी 500 साल पहले हुई थी। मुझे वो बात भी याद आनी चाहिए, तभी मुझे यकीन होगा कि तुम सच बोल रही हो। ठीक है अमान, आधी रात हो चुकी है, बल्कि यूं कहा जाए आधी रात से ज़्यादा का वक्त हो गया है। कुछ ही देर बाद सुबह हो जाएगी, तुम्हें मेरे साथ फिर से उसी वीराने में चलना पड़ेगा, वहाँ तुम्हें तुम्हारी सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। कैसी बातें कर रही हो रुबीना, मैं फिर से उसी वीराने में जाऊँगा, तुम्हें यकीन है? मेरी बात गौर से सुनो अमान, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में एक बात चल रही है कि उस वीराने में जाकर तुम फिर से फंस जाओगे। हकीकत वो नहीं है अमान, ज़िंदगी तो तुम्हारी यहाँ भी ठीक से नहीं कट रही है, यहाँ भी तुम पूरी तरह से उलझे हुए हो। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी सच्चाई तुम्हें पता लगे? मैं तुम्हारी बीवी हूँ अमान, और तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, मेरी बात का यकीन करो। अमान दिल ही दिल में सोच रहा था कि रुबीना की बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, उसकी ज़िंदगी वाकई उलझी हुई है। फिर उसने फैसला किया, ठीक है जो होगा देखा जाएगा। ठीक है रुबीना, चलो आज ये अनसुलझा किस्से को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मामले को आर या पार करते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। अमान की बात सुनकर रुबीना मुस्कुरा दी, चलो मेरे साथ। लेकिन एक मिनट रुकना, मेरी बात सुनो रुबीना, वो जगह तो बहुत दूर है, वहाँ जाते जाते सुबह हो जाएगी। नहीं अमान, तुम मेरे साथ चलो, हम कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँच जाएंगे, बस मेरा हाथ पकड़ो। अमान ने रुबीना का हाथ पकड़ लिया, रुबीना ने दरवाज़ा खोला और बाहर आ गई। हवेली के सारे नौकर जाग रहे थे, मगर ऐसा लग रहा था जैसे नौकरों ने उन्हें देखा ही नहीं, जैसे कि वो बेहोश के आलम में हो। मगर ये क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड भी नहीं हुए होंगे, अमान ने खुद को उसी वीराने में पाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था, इतनी जल्दी ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी हम कैसे पहुँच सकते हैं। शायद रुबीना ने अमान के चेहरे को भांप लिया था। सोचो मत अमान, कुछ देर बाद तुम्हें सब याद आ जाएगा। हमारे लिए यहाँ से वहाँ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, हम सैकड़ों किलोमीटर का फासला सेकेंडों में ही पूरा कर लेते हैं। अमान ने एक बात को महसूस किया कि जिस वीराने में वो लोग खड़े थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी, और इस ठंड में बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रही थी, मगर ये क्या, उसे ठंडी की शिद्दत बिल्कुल भी उस वक्त महसूस नहीं हो रही थी, जैसे उसके लिए ठंड हो ही नहीं। फिर रुबीना ने अमान से कहा, तुम्हारे गले में एक बहुत छोटा सा ताबीज बंधा हुआ है, उस ताबीज को अपने हाथों से निकाल कर फेंक दो। कैसे बातें कर रही हो रुबीना, मेरे गले में तो कोई ताबीज नहीं है। एक बार फिर से देखो, वो ताबीज अब तुम्हें दिखाई दी जाएगी, जो इससे पहले तुम्हारे लिए अदृश्य था। अमान ने अपने गले की तरफ देखा, वाकई उसके गले में एक बहुत ही पतला ताबीज बंधा हुआ था। उसने देखा बहुत ही बारीक चांदी की चेन उसके गले में लटक रही थी, जो बहुत ही ज़्यादा बारीक थी। अमान रुबीना की तरफ देखने लगा, सोचो मत अमान, इस ताबीज को निकाल कर फेंक दो। अमान ने उस ताबीज को अपने गले से निकाल कर फेंक दिया। मगर ये क्या, जैसे ही उसने ताबीज फेंका, उस पर एक अजीब सी कैफियत तारी होने लगी। उसने अपने अंदर एक अजीब सी ताकत का एहसास होने लगा। फिर एक अजीब घटना हुई,
चारों तरफ भेड़ियों की आवाज़ें उसको कानों में गुजने लगी और उसके ऊपर एक घबराहट सी तारी हो गई। डुबीना, अमान ने घुटी घुटी आवाज़ से कहा, ये मुझे क्या हो रहा है? अमान ने रुबीना की तरफ देखा और फिर रुबीना से पूछा, ये मुझे क्या हो रहा है रुबीना? जो उसे देखकर बहुत ही रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा रही थी, कहने लगी, घबराओ मत अमान, तुम फिर से मेरे अमान बनने जा रहे हो। अमान पर बेहोशी तारी हो रही थी, उसकी आंखों पर अंधेरा छाता जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो गिर रहा हो। फिर उसके कानों में बहुत दूर से आवाज़ आती हुई महसूस हुई, जैसे वो आवाज़ कहीं दूर से आ रही हो। वहाँ मत जा अमान, वहाँ पर खतरा है। घबराओ मत रुबीना, मुझे कुछ नहीं होगा, पीर बाबा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। नहीं अमान, नहीं, मत जाओ वहाँ पर, ये पीर बाबा की चाल है, तुम इस बात को समझते हो? फिर वहाँ पर क्यों जा रहे हो? तुम कहना क्या चाहती हो रुबीना? क्या मैं उस पीर बाबा से डर जाऊँ? वो एक इंसान है और हम इंसानों से नहीं डरते। मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। अमान के समझ में नहीं आ रहा था कि आवाज़ें किसकी है। फिर उसे उसका जिस्म जमीन पर गिरता हुआ महसूस हुआ। फिर से उसके कानों में बहुत दूर से आवाज़ें घुसती हुई सुनाई। पीर बाबा, मैं इसको ले आया तुम्हारे कहने के मुताबिक। शाबाश अकील, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जो काम कोई नहीं कर पाया वो काम तुमने कर दिखाया। तुम वाकई बहुत बहादुर हो अकील, बहुत बहादुर। ये आवाज़ अमान के कानों में बुरी तरह से गूंज रही थी। ऐसा लगता था जैसे ये आवाज़ें बहुत ही दूर से आ रही हो। शायद उसे कुछ याद आ रहा था। फिर अमान पर पूरी तरह से बेहोशी तारी हो गई। वो ज़मीन पर एक तरफ पड़ा हुआ था बेहोश, और रुबीना हसरत से उसे देख रही थी कि अचानक रुबीना के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रुबीना ने पीछे मुड़कर देखा, वो कोई और नहीं, उसका भाई ओवेस था। डरो मत रुबीना, इसमें घबराने की बात नहीं है। अमान अब उठेगा तो पूरी तरह से तुम्हारा होगा। क्या उसे सब कुछ याद आ जाएगा भाईजान? हाँ रुबीना, उसे सब कुछ याद आ जाएगा, और तुम देखना वो फिर से हम लोगों के साथ होगा। अमान करीब एक घंटा वहाँ पर ज़मीन पर पड़ा रहा। सुबह होने वाली थी। जैसे ही सूरज की किरण अमान के चेहरे पर पड़ी, अमान की आँखें खुल गई। मगर ये क्या, उसकी आंखों की रंगत बदल गई थी। उसकी आंखें जो भूरी थी, अब वहाँ पर आंखों का रंग लाल सा हो गया था। अचानक उठ खड़ा हो गया और रुबीना की तरफ देखने लगा। क्या हुआ, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ओवेश, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अमान की बात सुनकर रुबीना के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और वो खुशी के मारे अपने भाई को देखने लगी। ओवेश के चेहरे पर अब थोड़ी तसल्ली दिखाई देने लगी थी। अमान जो उन दोनों को भौचक्की भरी नज़रों से देख रहा था, क्या हुआ, तुम लोग मुझे कुछ बताओगे? तुम लोग मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो? रुबीना, मैंने तुमसे मना किया था यहाँ आने के लिए, तुम फिर यहाँ आ गई। यार तुम समझाओ अपनी बहन को, मैंने इसको मना किया था। तुम तो समझा सकते थे ना, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि पीर बाबा कितना खतरनाक आदमी है। ओवेश अमान की बात को बहुत गौर से सुन रहा था, हंसने लगा। क्या हुआ ओवेश, मैंने कुछ गलत कह दिया? अमान ने कहा। ओवेश ने अमान से कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ आए हुए कितना वक्त हुआ है? कितना वक्त हुआ मतलब? अरे यार, मैं तो कुछ देर पहले ही यहाँ पर आया था, रात के वक्त। फिर ओवेश ने अमान से कहा, तुम असल में अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं, हमें फिक्र हो गई, रुबीना से रहा नहीं गया, इसीलिए वो मुझे यहाँ पर ले आई, हमें तुम्हारी फिक्र हो रही थी। फिक्र हो रही थी? फिर अचानक अमान बोला, हाँ एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, यहाँ पर दो आदमी आए हुए थे जो पीर बाबा के भेजे हुए थे। मैं एक आदमी पर हमला करने ही वाला था कि अचानक उसने मेरे ऊपर कुछ फेंका, उसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। पता नहीं, शायद मैं एक दो घंटे तक बेहोश रहा हूँ, लेकिन वो दोनों भाग गए। तुम फिक्र मत करो ओवेश, मैं उन दोनों को देख लूँगा।
रूबीना, जो अब तक अमान की बात बहुत गौर से सुन रही थी, उसे रहा नहीं गया। वो दौड़ के अमान के गले लग गई। क्या हुआ रूबीना, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मैं सिर्फ कुछ देर के लिए बेहोश हुआ था। फिर अमान ने रूबीना को बहुत प्यार भरी नज़रों से देखा और उवेश को देख, रूबीना को तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम तो रूबीना को समझा सकते हो ना, तुम्हें पता है कि वो बहुत जल्दी फिक्रमंद हो जाती है मेरे लिए। उवेश जो अमान की बात को सुन रहा था फिर अचानक बोला, हाँ अमान सही कहा तुमने, फिक्र क्यों नहीं करेगी, तुम्हारी बीवी जो है, और बीवी ही शौहर की फिक्र करेगी और उसको करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ अमान, तुम यहाँ पर कितनी देर तक बेहोश थे? मैंने कहा ना उवेश, शायद एक घंटा या दो घंटा, और मेरे साथी भी पता नहीं कहाँ चले गए। नहीं नहीं अमान, तुम यहाँ पर एक या दो घंटा बेहोश नहीं थे, बल्कि उससे ज़्यादा। अच्छा एक बात बताओ, तुम यहाँ पर कितनी देर से हो? ये तुम कैसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हो उवेश, मैंने कहा ना एक या दो घंटे से, अमान ने सोचते हुए कहा। नहीं अमान, तुम यहाँ पर एक या दो घंटे से नहीं, बल्कि पूरे 30 सालों से हो अमान। उवेश की बात सुनकर अमान चौंक पड़ा। क्या कह रहे हो तुम? मैंने सही कहा अमान, तुम यहाँ पर 30 सालों से हो। रुकिया बेगम को पीर बाबा की बात सुनकर एक सदमा सा लगा था, और वो काफ़ी देर तक पीर बाबा के कमरे में बेखुदी के आलम में ऐसे ही बैठी हुई थी। उन्हें अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि अमान उनका बेटा। सोचते सोचते बहुत देर हो चुकी थी, तभी उनके बेटे शहबाज ने उन्हें आवाज़ लगाई, अम्मी जान सुबह हो चुकी है। अपने बेटे की आवाज़ सुनकर रुकिया बेगम चौंक गई और अपने ख्यालों से बाहर आ गई और इधर उधर देखने लगी। पीर बाबा कहाँ हैं? वो बाहर है अम्मी जान। ठीक है उन्हें बुलाओ। शहबाज पीर बाबा को बुला लाया। पीर बाबा अंदर आ गए, मगर उनके चेहरे पर चमक गायब थी और एक खौफ उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा। आते ही उन्होंने रुकिया बेगम से कहा, खबर अच्छी नहीं है रुकिया बेगम। कैसी खबर पीर बाबा? वो लड़की जो तुम्हारे घर पर अमान की दुल्हन बनकर घर पर आई थी, वो लड़की अमान को वापस ले गई है। रुकिया बेगम पीर बाबा की बात सुनकर चौंक गई। क्या कहना चाहते हैं आप पीर बाबा? रुकिया बेगम, वही जो मैंने तुमसे रात में कहा था। मैंने तुमसे कहा था रुकिया बेगम कि अमान तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम्हारा सिर्फ एक ही बेटा है। लेकिन पीर बाबा आपने मुझे ये नहीं बताया कि अमान अगर मेरा बेटा नहीं है तो फिर कौन है? मेरी बात बहुत गौर से सुनो रुकिया बेगम, ये वक्त ज़्यादा जज्बाती होने का नहीं है, हम सब लोगों की जान खतरे में है। मैंने तुम्हें रात में इसीलिए नहीं उठाया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम अपने घर पर वापस जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे जान और तुम्हारे बेटी की जान खतरे में है, तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना होगा। इसी वक्त तुम्हारे जान खतरे में है और यहाँ से छोड़कर जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आप कहना क्या चाहते हैं पीर बाबा? मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मेरे साथ सवालों के जवाब नहीं देते, और मुझे किससे अपनी जान का खतरा है? पीर बाबा जो खुद इस वक्त डरे हुए थे, रुकिया बेगम को देखते हुए डरी डरी आवाज़ में बोले, रुकिया बेगम, तुम्हें और तुम्हारे बेटे को खतरा किसी और से नहीं बल्कि अमान से ही है। अमान से मेरी जान को खतरा? पीर बाबा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, वो मेरा बेटा है। रुकिया बेगम, मैंने तुमसे कहा ना, वो तुम्हारा बेटा नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो कोई और ही है, और जिस बात का हमें डर था वो चीज़ हो चुकी है, उन वीरानों में दोबारा पहुंच चुका है जहां से हम उसे लाए थे। मैं आपकी बात को नहीं मानती पीर बाबा, मेरा बेटा मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, वो मुझे और अपने भाई को जान से कैसे मार सकता है? इसे आगे रुकिया बेगम कुछ और बोलती, पर बीच में शहबाज बोल पड़ा, जो बहुत देर से उन दोनों की बात को सुन रहा था। बहुत हो गया पीर बाबा, आप पर हम यकीन करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जो भी कहेंगे हम सब बात आपका मान लेंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे मेरे भाई भाई जान से खतरा है? मेरा ही भाई मुझे मार डालेगा और अपनी ही माँ को भी मार डालेगा?
बकवास करने की इंतहा होती है। शहबाज की ये बात सुनकर पीर बाबा के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगे। मैं तुम लोगों को बताना नहीं चाहता था, लेकिन लगता है मुझे अब बताना ही पड़ेगा। तुम दोनों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। जिस बेटे को तुम अपना बेटा समझ रही हो, वो दरअसल कोई और ही मखलूक है। तुम्हारे लिए इतना जानना काफ़ी है कि वो इंसान नहीं है, वो हम लोगों की तरह नहीं है। उसे कोई और नहीं बल्कि खुद तुम्हारा शौहर की हमारे पास लाया था। रुकिया बेगम जो बहुत गौर से पीर बाबा की बात को सुन रही थी, आप कहना क्या चाहते हैं पीर बाबा? मैं बताता हूँ तुम्हें रुकिया बेगम, दरअसल ये बात बहुत पुरानी है। जब तुम्हारा शौहर जवान था, उन दिनों तुम्हारी नई नई शादी हुई थी। तुम्हारे खानदान ने इस गांव की हमेशा खिदमत की है। उन दिनों भूत प्रेत चुड़ैल जिन्नात वगैरह वगैरह का हमारा इलाके में बहुत ज़्यादा आतंक हुआ करता था, और वो इलाका जिसे सब लोग आज भी वीरानी के नाम से जानते हैं, उस वक्त कोई भी शख्स उस जगह से निकलता था, दूसरे दिन उसकी लाश उन जंगलों में मिला करती थी। तुम्हारा शौहर अकील मेरा जानने वाला था, बहुत बहादुर किस्म का आदमी था। गांव के किसी भी मर्द में हिम्मत नहीं थी कि उन लोगों का वो सामना जाकर कर सके। उस वक्त अकील ही वो इकलौता मर्द था जिसने वहां जाने की हिम्मत की थी, और उसने वो कर दिखाया था जो आज तक कोई नहीं कर पाया। उस वक्त रात के वक्त जब चांद की आखिरी तारीख हुआ करती थी, वो लोग जंगल में निकला करते थे और आसपास के इलाकों में तबाही मचा दिया करते थे। बेगुनाहों का खून पी जाते थे और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनका सामना कर सके। सिर्फ एक तुम्हारा शौहर अकेली था जो मेरे पास आया था, जिसने उन वीरानों में जाने की हिम्मत की थी। मैंने उसे उस वक्त की ताबीज उसको दिया था और उसको कहा था कि जिस वक्त वो लोग उस पर हमला करे, तुम ये ताबीज उनके गले में फेंक देना। उसने वही किया जो मैंने उससे कहा था। फिर वो एक या दो दिन के बाद एक शख्स को मेरे पास लाया जो बेहोश पड़ा था। वो शख्स लंबा चौड़ा जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन ताबीज की असर से बेहोश था, यूँ कहा जाए बेबस था। अगर अकील उस पर हमारा दिया हुआ ताबीज नहीं फेंकता, तो तुम्हारा शौहर भी जिंदा नहीं आता। हमारे तावीज के असर से वो शख्स कमजोर पड़ चुका था। वो उन्हीं के कौम से था, पर हम लोग उस शख्स को जान से नहीं मार सकते थे। उसे जान से मारना नामुमकिन था, या ऐसा कह लो मेरी हद से बाहर था। जानती हो वो शख्स कौन था? कौन था पीर बाबा? वो शख्स कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा अमानी था। मगर पीर बाबा, मैंने तो उसे पाला है। नहीं रुकिया बेगम, तुमने उसे नहीं पाला। सच तो ये है कि तुम कुछ नहीं जानती। अच्छा एक बात मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पास अमान की कोई बचपन की तस्वीर मौजूद है? क्या तुम्हारे पास अमान की कुछ बचपन की याद मौजूद है? हाँ, तुम्हारे बड़े बेटे सहबाज के बचपन की याद तुम्हारे जहन में ज़रूर मौजूद होगी, लेकिन अमान की कोई भी याद कोई भी तस्वीर तुम्हारे पास मौजूद नहीं होगी और हो ही नहीं सकती। मगर पीर बाबा, रुकिया बेगम हैरान होकर पीर बाबा से बोली, ये सारी बातें मेरी समझ से बाहर है, ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है रुकिया बेगम, यहाँ सब कुछ हो सकता है। मुझे एक बात बताओ रुकिया बेगम, अमान को तुमने कभी छोटी उम्र में देखा है? रुकिया बेगम याद करने की कोशिश करने लगी। मुझे जहाँ तक याद है, शहबाज के बाद मेरा बेटा और पैदा हुआ था और वो अमान ही था। जरा रुको रुकिया बेगम, तुम्हारा दूसरा बेटा पैदा हुआ था, मगर वो पैदा होते ही उसी वक्त मर गया था। वो बच्चा जिंदा नहीं है और तुम्हें ये बताया नहीं गया था। वो कहकर पीर बाबा ने रुकिया बेगम के गले की तरफ हाथ बढ़ाया और वहाँ से कुछ खींचा। शहबाज जो पीर बाबा को देख रहा था, पीर बाबा ने शहबाज को अपने पास बुलाया और उसके भी गले में हाथ लगाकर कुछ खींचा। पीर बाबा ने यह सब कुछ इतनी जल्दी किया कि शहबाज को समझ ही नहीं पाया। ऐसा करते ही रुकिया बेगम और शहबाज दोनों बेहोश हो गए। पीर बाबा के हाथों में वैसे ही ताबीज थे जो अमान के गले में थे। दोनों माँ बेटे बेहोश हो गए।
और पीर बाबा उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसकी मुस्कुराहट बहुत ज़्यादा रहस्यमय थी। हेलो दोस्तों, अभी तक आप लोग सुन रहे थे आरजे पल्लवी पॉडकास्ट में वीराना सीजन 2 पार्ट 2 का एपिसोड। दोस्तों ये लास्ट एपिसोड नहीं है, लास्ट एपिसोड भी बहुत जल्दी आने वाली है, वो ट्यूसडे या वेडनेसडे तक लास्ट एपिसोड आ जाएगी। दोस्तों कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ दोस्तों मुझे मोटिवेट नहीं मिल रहा है, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह के लिए आपके लिए कहानी लाती रहूं। दोस्तों इसके बाद मेरा बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी आने वाली है, अगर आप लोग वो कहानी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई मैं न्यू वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। और अगर आप लोग भी मुझे कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मुझे फेसबुक पेज, अदरवाइज मुझे ईमेल में भेज सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसका लास्ट एपिसोड के साथ, लास्ट पार्ट के साथ, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और हंसते रहिए, खेलते रहिए, बी हेल्दी बी सेफ, बाय।